डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी बगिया में। आज मैं आपसे कुछ बातें, कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। देखिए, इस समय नवंबर में और दिसंबर में कम से कम 30-40 सब्जियाँ होती हैं, लेकिन मैं आपको उनमें से कुछ बता रही हूँ कि सभी का दिल करता है कि अपने बगीचे में, अपने गार्डन में ये सब चीज़ लगाएं। तो देखिए, जैसे ये बंद गोभी, इसका सीजन चल रहा है, इसको आपको पहले तो इसकी पौध बनानी पड़ेगी। इसी तरह से ये गोभी है, इसकी भी पौध बनानी पड़ती है। ये शलजम आप डायरेक्ट बो सकते हो, मूली डायरेक्ट बो सकते हो, पालक डायरेक्ट बो सकते हो, गाजर डायरेक्ट बो सकते हो। ये जो टमाटर आपको दिखा रहे हैं, ये इनकी पौध बनानी पड़ेगी। फिर ये बैंगन है, इनकी भी पौध बनानी पड़ेगी। और लौकी डायरेक्ट बो सकते हो और पौध भी बना सकते हो। इस तरह से सारा कुछ, ये देखिए, ये सब सब्जियां नवंबर और दिसंबर में बोने वाली हैं। बल्कि सेम लेट हो गई, इसको अक्टूबर में ही बोते हैं। मैंने तो बहुत जल्दी बो दी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने तो सितंबर में ही इसको लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, हमारा गार्डन, टेरेस गार्डन या किचन गार्डन कुछ भी बोलो, वो बहुत छोटी लिमिटेड जगह होती है, लेकिन दिल तो करता है कि ये सारी सब्जियाँ लगाऊँ। तो आप आज, आपको अलग अलग बोने की सलाह ना दे के मैं कहती हूँ मिक्स सब्जी भी बोइए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम होती है और हर चीज़ लगानी होती है मुझे, तो आप मिक्स सब्जियाँ बो सकते हो। मैंने बोई हैं, हम आपको दिखा रहे, चलते हैं वहाँ पर। ये देखिए, हमारे गमले भरे पड़े हैं किससे, हल्दी और अरबी से। तो इनको तो अभी हम हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं पूर्ण रूप से। देखिए, मेरे पास में जो ये क्यारियाँ हैं, मैंने इनमें क्या किया है, इसमें हमने गोभी लगाया है। ये देखिए, मेरा गोभी कितना अच्छा चल रहा है, ये देखिए। क्योंकि मेन इस समय गोभी की रिपोर्टिंग और पौध बनाने का है, क्योंकि सर्दियों में मेन सब्जी यही होती है। इस समय गोभी, बंद गोभी और टमाटर, बैंगन इनकी। तो मैंने इस तरह से, ये देखिए, गोभी दोनों क्यारियों में इस तरह से यहाँ से लेके वहाँ तक लगा रखा है। अब मुझे तो और भी चीज़ें लगानी थी, तो मैंने क्या किया, इधर भी गोभी मैंने लगा रखा था, ये देखिए। तो बीच में जो जगह थी, मैंने उसमें गाजर लगा दी थोड़ी सी जगह में, क्योंकि बीच की जगह थी। यहाँ पर हमारे गोभी दोनों तरफ थे और ये थोड़ी सी जगह रह गई, तो मैंने सोचा बच्चों को गाजर बहुत पसंद होती है, छत पे आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं लाओ आपने क्या बोया खाने के लिए। तो गाजर तो सब्जी के अलावा ऐसे खोद के भी खा सकते हैं, इसलिए मैंने, ये देखिए कितनी अच्छी गाजर चल रही है, इस बीच में गाजर लगा दी। अब और आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, ये गोभी के साथ साथ में इस क्यारी में मैंने लंबी क्यारी है, इसमें 12 फुट की लंबी है और 3 फुट की चौड़ी है। तो इस क्यारी में मैंने सारा गोभी लगाया। इसके साथ साथ में थोड़ी सी जगह थी, तो मैंने क्या किया, आपको दिख रही होगी, देखिए ये जगह पड़ी बच गई थी, तो मैंने इसमें बीच में धनिया बो दी। और धनिया हमारी बहुत अच्छी निकल रही है, ये देखिए सारी धनिया निकल रही है। क्योंकि ये जगह, अब ये प्लांट के बाद में यहाँ पर प्लांट लगा नहीं सकते थे, जगह ज़्यादा नहीं थी। क्योंकि ये अभी जब बंद गोभी बड़ा होगा तो बहुत जगह लेगा, तब तक हमारी धनिया तैयार हो जाएगी और हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो इस जगह कोने में हम गोभी लगा नहीं सकते, तो ये जगह हमारी बेकार पड़ी थी, मैंने इसमें मिक्स सब्जी बो दी धनिया। इसी तरह से देखिए, दूसरी क्यारी में हम आपको दिखा रहे हैं, ये इधर हमारे साइड में पूरा ये लाइन से बैंगन लगे हुए हैं, इधर ये गोभी लगा हुआ है। और आपको और बताएं, इस साल बारिश ज़्यादा होने की वजह से इतने कीड़े लगे हुए हैं कि कुछ पत्ते, हमारे गोभियों के पत्ते देखिए किस तरह से झल्ली किए। इसके लिए नीम ऑयल और नीम के पत्ते का काढ़ा बना बना के हम डाल रहे हैं। फिर इस क्यारी में मैंने ब्रोकली बोई, ब्रोकली, आइए देखिए, ब्रोकली मेरी अच्छी चल रही है, लेकिन इसमें भी कीड़े लगे थे। मैंने कल कुछ पत्ते निकाल दिए, ये देखिए पत्ते निकाल दिए जिनमें कीड़े लगे हुए थे। अभी भी इसमें देखिए, ये देखिए पूरा छलनी कर दिया, लेकिन इसके कीड़े हमने सब निकाल दिए और इसमें स्प्रे कर दिया, तो वो कीड़े मर गए। इसके बाद में ये थोड़ी सी जगह पड़ी हुई थी, तो इसमें देखिए मैंने पालक बो दी, ये सारी पालक निकल रही। जब तक ब्रोकली का पेड़ बढ़ेगा और चौड़ाई लेगा, तब तक हमारी ये पालक तैयार हो जाएगी, हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिलने लगेगी। पालक बहुत जल्दी मिल जाती है, 20 दिन में तैयार हो जाती है।
तो ये पालक मैंने इसमें मिक्स बो दी। तो बता, मेरा दिखाने और बताने का मतलब ये है कि आपके पास जगह अलग अलग नहीं है बोने को, तो आपको जो जगह मिले मिक्स आप बो दीजिए, बड़े प्लांट के साथ में छोटे प्लांट। ये हमारा देखिए शहतूत है, ये प्लांट लगाया, ये गमला बहुत बड़ा तो मैंने इसमें बीच में मक्का लगा दी। जब तक शहतूत बड़ा होगा तब तक हमारी एक बार मक्का तैयार हो गई, हमने दोबारा फिर मक्का लगा दी। और ये देखिए मक्के के पेड़ इस पर कितने अच्छे चल रहे हैं। इसी तरह से देखिए ये ग्रोवर, ये कॉर्नर मैंने टमाटर के लिए किया। टमाटर में भी इस बार बहुत रोग लग रहा है, इतने इतने बड़े प्लांट हो गए थे, टमाटर भी लग गए थे लेकिन कीड़े लग गए, तो मैंने कुछ उखाड़ दिए और उनमें छोटे प्लांट अब लगाए। ये देखिए टमाटर का सारा प्लांट इधर चल रहा है। इधर भी देखिए बंद गोभी कितना अच्छा चल रहा है, ये देखिए बंद गोभी चल रहा है, ये देखिए बंद गोभी। और ये वही अब आपको दिखाएं हम कि देखिए इधर ये सारा गोभी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी गोभी गोभी देखिए, और बहुत बेहतरीन गोभी चल रहा है। इसीलिए इनका इलाज कर रहे हैं क्योंकि इनमें कीड़े लग रहे हैं। इस साल पहली बार ही हमारे गोभी में कीड़े लगे और इनका हम डेली इलाज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कभी नीम का काढ़ा बना के डाल रहे हैं, कभी इनमें इस्प्रे कर रहे हैं, कभी इनमें छाछ का स्प्रे कर रहे हैं, खट्टी छाछ का तांबा का लोटा डाल के इस तरह से इनकी डेली हम इलाज कर रहे हैं। और ये हमारे बंद गोभी लगने वाले हैं, देखिए इनका मुंह बंद होने लगा है, तो इस तरह से ही हमने गोभी लगा दिया। और रहा अब सवाल पौध का, तो पौध आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। पहले आप गोभी पैकेट लाइए और इस तरह से ये देखिए इसमें से लगाते भी जाइए, बांटते भी जाइए। इसमें इस साल मैंने इतना गोभी लिख दिया था कि जिसको गोभी ज़रूरत हो ले जाए, मेरे पास बहुत पौध तैयार हो गई है। ये देखिए ये टमाटर की मैंने लगाए भी है और बांटे भी है, और फिर अब मैं लगाने जा रही हूँ, इसलिए आपको पैकेट दिखाए हैं क्योंकि ये हमारी अगस्त की बोई हुई थी। ये देखिए हमारी पालक चल रही है ना, फर्स्ट क्लास पालक चल रही। देखिए ये देखिए, और इससे ज़्यादा हम बो नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड सामान होता है, लिमिटेड ग्रो बैग होते हैं, लिमिटेड क्यारियाँ होती हैं, क्योंकि छत तो छत है, ये खेत तो है नहीं। लेकिन दिल तो करता, हर गार्डनर का दिल करता है कि वो हर सब्जी अपने यहाँ बोए। तो आज आपको इसीलिए बताने जा रहे हैं कि देखिए ये इस तरह से गोभी चल रहा है, देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी गोभी गोभी है। लेकिन अभी हमें मूली शलजम ये सब बोने हैं, तो हम ये जगह तलाश करेंगे कि जहाँ खाली पड़ी हो वहाँ पर हम ये चीज़ें लगाएं। तो ये अब हम उसी जगह आ रहे हैं। देखिए आज मुझे शलजम भी लगाना है, मूली भी लगानी है, क्योंकि मेरी मूली जो हमने बोई थी वो ख़राब हो गई है, कीड़ों ने खा ली है। कीड़े की ट्रीटमेंट तो हो रहा है लेकिन देखिए कैसे पत्ते इसके छल्ली कर दिए। अभी ये मूली बहुत अच्छी चल रही है, और भी मूली लगाना है। देखिए इस टंकी में अभी पहली बार था तो मैंने इसमें कुछ और ना लगा के सरसों बोई, और सरसों भी मेरी बहुत अच्छी चल रही देखिए। तो आप हरे साग में सरसों पालक मेथी का बस टाइम आने वाला, मेथी बोने के लिए धनिया ये सब चीज़ बोइए। और अगर आपके पास में ग्रो बैग नहीं है ज़्यादा, तो आप ये भी कर सकते हो कि मिक्स सब्जियां बो सकते हैं। जैसे इसमें हमने गोभी लगाया, गोभी बहुत छोटा है, अब इसमें हम सोचेंगे थोड़े से दो चार पेड़ शलजम के लगा दें, या इसके चुकंदर के लगा दें, ये तो ऐसे मिक्स करके आप बो सकते हो। क्योंकि दिल तो करता है हर चीज़ होनी चाहिए लेकिन जगह तो लिमिटेड होती है ना अपने पास में। अब ये देखिए ये हल्दी है, इससे अब ये दो महीने और लगेंगे, ये जनवरी के करीब खोदेंगे, तब तक ये हमारे गमले भरे पड़े हैं। इधर देखिए सब लगा हुआ, ये मिर्ची लगी हुई है कुछ हमने, ये देखिए कटहल, मेरा कटहल कितना अच्छा चल रहा है। इधर ये टंकी का दूसरा पोर्शन था, इसमें हमने ये लगा दिया, गोभी लगा दिया। और ये इधर मेरे पास में देखिए कितने अच्छे अंजीर चल रहे हैं, लदा पड़ा पेड़ पूरा अंजीर का, ये देखिए ये अंजीर अंजीर ही अंजीर। अब ये देखिए
सेम मैंने बहुत जल्दी लगा दी थी, तो देखिए सेम किस तरह से, ये मैंने अगस्त में सेम लगा दी थी, ये हम दो बार इसमें हार्वेस्टिंग ले चुके हैं। तो अभी भी अब अगर आपने न लगाई हो तो सेम लगा दीजिए, अभी भी लगाने का टाइम है, क्योंकि मैं नए प्लांट भी लगा रही हूँ। देखिए ये छोटा प्लांट है, ये अभी चल रहा है, अभी ये लगाया था लास्ट मंथ, ये देखिए एक महीने का हुआ और इसमें फूल आने लगे, लेकिन ये नया, ये पुराने है, देखिए इस तरह से। तो मेरी सारी सब्जियां मिक्स हैं, इसमें तोरई भी बोई हुई ऊपर चली गई, लौकी भी है ऊपर चली गई, ग्रीन सेट पे चली गई है, और इसमें सेम भी बो दी है, पपीता भी खड़ा है। तो इस तरह से हम मिक्स सब्जियां बोते हैं, क्योंकि मेरे पास में ड्रैगन फ्रूट का देखिए प्लांट इस साल मैंने लगाना शुरू किया, ये देखिए दो इधर लगे हुए हैं और एक इधर लगा हुआ है। तो बस यही बारे बताने का मतलब ये था कि अगर आपके पास में ग्रो बैग नहीं और आप हर चीज़ लगाना चाहते, तो जहाँ पर आप जगह मिले आप इस तरह से मिक्स सब्जियाँ लगा दीजिए, जहाँ जगह मिले। देखिए धनिया कितनी अच्छी चल रही है, हालांकि हमने धनिया अलग से भी बोई है, वो देखिए धनिया ये है मेरी, ये तो ये धनिया हमारी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो रही है, और इसी में हमने दूसरी लगा दी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।